हरमाड़ा के नेट्स स्कूल में महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जहां डीसीपी सुनीता मीणा ने कहा कि महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार, अपराध व शोषण नहीं होने देंगे। हरमाड़ा क्षेत्र के न्यू लोहा मंडी स्थित नेट्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल व डिफेंस अकेडमी में मंगलवार को जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा चलाए जा रहे महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में स्कूल प्रशासन की ओर से पुलिसकर्मियों को साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं स्कूल की छात्राओं ने पुष्प वर्षा कर जोरदार पुलिसकर्मियों का स्वागत किया। आपको बता दें कि सोमवार को पुलिस कमिश्नरेट के सामने से महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण जागरूकता अभियान का आगाज कर निर्भय स्क्वाड महिला व पुलिसकर्मियों की वाहन रैली को पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में महिला सुरक्षा से संबंधित पोस्टर का भी विमोचन किया गया था। नेट्स स्कूल में छात्राओं को संबोधित करते हुए निर्भय स्क्वाड के एडिशनल डीसीपी सुनीता मीणा ने कहा कि सभ्य समाज के लिए जरूरी है कि उसमें रहने वाली महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय, अत्याचार, अपराध व शोषण नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक समाज व सरकार प्रयास करती है। महिलाओं व बालिकाओं को कार्यस्थल पर, सार्वजनिक स्थान पर, घर के बाहर आते जाते समय कई बार असम्मानजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। डीसीपी मेट्रो ऋचा तोमर ने कहा कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा हर जिले में महिला विरोधी अपराध विशेष अनुसंधान इकाइयां भी बनाई गई है, जो अपराधों पर निगाह रखेगी व जांच करेगी। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लोगों में जागरूकता लानी जरूरी है। लोगों में ये जागरूकता हो कि हमें महिलाओं की गरिमा व सम्मान की रक्षा करनी है। महिलाएं कहीं भी रहें, स्वयं को सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए ये अभियान शुरू किया गया है। 15 दिन तक चलने वाले इस अभियान में और भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्र छात्राओं को पुलिसकर्मियों ने शपथ दिलाई है। इस मौके पर स्कूल डायरेक्टर भवानी सिंह खरड़िया, सुनीता खरड़िया, स्कूल प्रिंसिपल विमल गौड़, सीमा शर्मा, अंजना खरड़िया, निर्मा जांगेड़, तनु शर्मा, अमिता, राकेश यादव, संदीप सैनी, सुरज्ञान चौधरी, विश्वास, राहुल मीणा, गोपाल कृष्ण, मोहन सतीश, नीतू पूजा, सपना, रवीना, उर्मिला, अंजना मीणा आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव राजस्थान, जयपुर। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है हमें आप लोगों से मिलकर। आज हमारे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, इसलिए हम लोग आपसे जल्दी जल्दी बात करेंगे। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आज हम यहाँ आए क्यों हैं वो आपको बताना चाहेंगे। हम लोगों ने, यानी कि जयपुर आयुक्तालय ने, जयपुर पुलिस ने एक कोशिश की है महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए। उन्होंने शुरू किया है 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक एक कार्यक्रम, मिशन सशक्त नारी सुरक्षित नारी। हमारी डीसीपी मैडम है ऋचा तोमर जी, ये इन्होंने इसी मिशन को लेके अभी एक बार युद्ध स्तर पे पूरे जयपुर आयुक्तालय में बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे और इसको पूरे साल भर हम लोग चलाएंगे। ये अभी पूरा जयपुर आयुक्तालय मिलके इस कार्यक्रम को कर रहा है, फिर निर्भया स्क्वाड इसको पूरे साल चलाएगी। हम लोग बेटा आप लोगों से इसलिए बात करने आए हैं कि अगर कोई आप लोगों को परेशान करता है, किसी भी तरीके से तंग करता है, कोई आपको पीछा करता है, कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के तंग कर रहा है, कोई आपको मिस कॉल दे के तंग कर रहा है, कोई आपको घूर रहा है, देखो घूरना भी अपराध है, समझ गए? लड़कों को पता नहीं है कि घूरना भी अपराध है। वो हम उनको बुक कर देते हैं तब उनको पता लगता है कि ओ मैडम घूरना भी अपराध है। तो मैंने तो जरा से ही देखा था, मैंने कहा भाई 15 सेकंड देख लिया मतलब कि तू क्या तंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो और अंदर ही अंदर आप घुट रहे हो, आपकी रातों की नींद खराब हो रही है, तो आप डरने की जरूरत नहीं है और थाने में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी मेरी बच्चियों के साथ में क्या होती है कि हम थाने में कैसे जावे मैडम, थाने में जाएंगे हमारी इज्जत खराब होगी और लोग बिना बात की रंजिशें पड़ जाएंगी, लोग बाग हमारे लिए बाती बाती की बात करेंगे, इसे बढ़िया इग्नोर करो, मरण दो, जाने दो, ये रहता ना आपके, अब जाने दो, नहीं करना है। क्योंकि आप करेंगे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर। पहली, आप सब लोगों में स्मार्टफोन किन किन के पास में, सोशल मीडिया पर कौन कौन एक्टिव है, फेसबुक पर किसी इसके अकाउंट है? अरे अकाउंट होना अपराध नहीं है, होना अपराध नहीं है, पर ये है कि मेरा कहने का मतलब, तो आपको सजग रहने की जरूरत है। अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखिए, प्राइवेट चीजें सोशल मीडिया पर शेयर मत कीजिए, अपनी लोकेशन हर टाइम ऑन मत रखिए, अपने इंटीमेट फोटोज किसी को भी मत भेजिए,
किसी को भी मत भेजिए, मतलब किसी को भी मत भेजिए। जो फोटो आप अपनी दादी को नहीं दिखा सकते वो फोटो किसी को भी मत भेजिए, ठीक है? क्योंकि आपके व्हाट्सएप प्रोफाइल से ही, आपके फेसबुक अकाउंट से ही, आपके इंस्टाग्राम से ही पिक्चरें जब वो पब्लिकली अवेलेबल होती है, लोग उनको उठा लेते हैं, उनमें चेंजेस कर देते हैं, फिर उनको अश्लील बना के आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है लड़कियों को, और वे किसी से कुछ कहती नहीं है। और वो एक प्रेशर जो दिमाग पर रहता है उससे उसका अंत कहाँ पर होता है, लड़कियाँ कई बार सुसाइड कर लेती हैं। तो चुप मत रहिए, अपराध के खिलाफ बोलिए। जो सुनीता मैडम ने हेल्पलाइन नंबर बताया है उनका पूरा यूज कीजिए।